डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, यस्टरडे वीडियो में हमने पिछले टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। 2.6 असाइनमेंट 2.6 तक के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। टुडेज अवर टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर। अब हम आगे के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। सो टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑफ ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो ऑपरेशंस दैट मीन्स कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। सो ये ऑपरेशन रैशनल नंबर पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं तो हम सीखेंगे, वन बाय वन सीखेंगे। पहले एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई, देन डिवीजन, ओके। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर हमें नोटेड कि a अपॉन b के फॉर्म में होता है और b नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। ये रैशनल नंबर होता है। अब जब रैशनल नंबर में एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं। यदि डिनोमिनेटर सेम है, फॉर एग्जांपल 2/1 + 3/1, डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिया, यदि यहाँ पर 5 लेते हैं हम, ओके, 2/5 and 3/5, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन करना बहुत इजी होगा। सो डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, 2 + 3 5/5, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एडिशन फाइंड होगा 1, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा जब डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, ठीक है। बट हमेशा तो हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेंगे, हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट भी होंगे, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब एडिशन कैसे किया जाता है, तो उस कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, कैसे, वेरी गुड, एलसीएम लेकर के, ठीक है। सो एलसीएम लेकर के हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, देन हम इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो क्या वर्किंग रूल है, टू एड रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर, सिंपली एड देयर न्यूमरेटर्स कीपिंग द कॉमन डिनोमिनेटर एज सच। तो डिनोमिनेटर को कॉमन लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। इन केस ऑफ रैशनल नंबर विद निगेटिव डिनोमिनेटर्स, वी फर्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू अ रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर कैसा है, निगेटिव है, तो उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वी नो दैट के 3/-5 इक्वल होगा -3/5 के, और ये भी इक्वल होता है -3/5, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे, देन हम एडिशन करेंगे, क्लियर दैट। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो क्या वर्किंग रूल्स होते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विथ द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर, मींस राइट द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर राइट करते हैं विथ द एलसीएम एज देयर कॉमन डिनोमिनेटर, ओके। एट देम एज रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। देखिए, सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, एक सॉल्व करके एग्जांपल से। सो यहाँ पर हमें ऐड करना है, एट द रैशनल नंबर्स -4/9, -5/12 और 11/18। यदि डिनोमिनेटर्स यहाँ पर भी हमें कंसिडर करना है कि निगेटिव है, तो उन्हें पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, देन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ कंसिडर किया डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने की प्रोसेस भी नो दैट इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 9, 12 और 18 को लिखा, देन हम प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करते हैं, जो भी फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करते हैं होता है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम में फैक्टर्स फाइंड हुए 2, 3, 3, 2, इन चारों का प्रोडक्ट है 36। सो एलसीएम इज 36। अब क्या प्रोसेस रहती है, हम वन बाय वन हर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते हैं, जो कोशेंट हमें फाइंड होता है ना, उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड होता है, ठीक है। जो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को कैसा करना है, सेम करना है, ठीक है। देखिए, जैसे -4/9 से यदि हम 36 में डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या फाइंड होगा, 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो कोशेंट हमें 4 फाइंड होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, तो 4 × 4 = 16, तो माइनस है तो -16, 9 × 4 = 36। इसी तरह -5/12 को भी सॉल्व करेंगे, 12 से यदि हम 36 में डिवाइड करते हैं, तो 3 टाइम्स में ये
थ्री रैम्स में डिवाइड होता है, क्वेश्चन हमें फाइंड होता है थ्री। सो थ्री से हमें माइनस फाइव में और ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड होगा, माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री, ट्वेल्व इंटू मल्टीप्लाई बाई थ्री। हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। वी नो दैट कि जब हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना होगा। सो यहाँ पर माइनस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री और ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री, दैट मीन्स माइनस फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स। माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएगा माइनस फिफ्टीन अपॉन थर्टी सिक्स। इसी तरह इलेवन अपॉन एटीन को भी सोल्व किया तो हमें फाइंड हुआ ट्वेंटी टू अपॉन थर्टी सिक्स, ठीक है। अब हम इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे, ओके इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे क्योंकि इनके डिनोमीटर्स कैसे हैं डिफरेंट है, सॉरी डिनोमीटर कैसे हो गए सेम हो गए हैं, ठीक है, और इनके इक्विवेलेंट है तो इनको हमने ऐड किया है। कॉमन लिख लेंगे, एलसीएम कॉमन डिनोमीटर लिख लिया और न्यूमरेटर को ऐड कर दिया उनके साइन के साथ, है ना। जैसे माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी टू सॉल्व करेंगे तो हमें फाइंड होगा नाइन अपॉन थर्टी सिक्स से, और कैंसिल आउट करेंगे हम नाइन से तो माइनस वन अपॉन फोर, दैट इज आंसर। क्लियर दैट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जब हमें डिनोमीटर सेम दिए हों तो क्या करना है, नॉर्मली डिनोमीटर को कॉमन लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब डिनोमीनेटर्स कैसे हों डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, और एलसीएम आने पर हम वन बाय वन हर डिनोमीटर से डिवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन हमें फाइंड होता है उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रेशनल फाइंड होते हैं। देन हम उन रेशनल को नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बिकॉज उनके डिनोमीटर्स अब कैसे हैं सेम हैं। क्लियर दैट, सो दैट्स वेरी सिंपल। जब डिनोमीटर सेम हो जाते हैं तो कॉमन डिनोमीटर लिख करके और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और सॉल्व करेंगे। क्लियर दैट। टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के एडिशन में क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो देखिए द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इफ ए अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर देन इट्स निगेटिव माइनस ए अपॉन बी इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। देखिए हम जो नॉर्मल इंटीजर में पढ़ते हैं कि इंटीजर में एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, तो उसका योज्य प्रतिलोम, दैट मीन्स उसका अपोजिट साइन, जैसे प्लस वन है तो इसका योज्य प्रति मीन्स एडिटिव इनवर्स क्या कहलाएगा माइनस वन। इसी तरह रैशनल नंबर में भी होता है। टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो फर्स्ट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पर देखिए इफ a upon b is a rational number then its negative minus a upon b is called the additive inverse of a upon b, okay, that means इनकी योज्य प्रतिलोम, that means हमने इंटीजर में पढ़ा है कि जब हम वन लेते हैं तो इसका additive inverse क्या कहलाता है माइनस वन, ठीक है, क्या कहलाता है माइनस वन, मीन्स पॉजिटिव का additive inverse negative और negative का positive, negative का additive inverse positive, ठीक है। इसी तरह रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव रैशनल नंबर होगा। क्लियर दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी और द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या होता है, तो द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड जीरो इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल इफ ए अपॉन बी इज एनी रैशनल नंबर देन ए अपॉन बी प्लस जीरो या फिर जीरो प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा हमें ए अपॉन बी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है स्टूडेंट, हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है कि जब हम किसी ऐसे नंबर को ऐड करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल यदि हम वन में जीरो को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा वन फाइंड होगा, वन में हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो हमें वन ही फाइंड हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही इसकी वजह से, ओके। तो जीरो क्या कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, और यहाँ पे इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जीरो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो रेशनल नंबर में भी जीरो द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, ओके। तो हम किसी भी
रैशनल नंबर में यदि जीरो को ऐड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर वही रैशनल नंबर फाइंड होता है इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, द एक्टिव इनवर्स ऑफ माइनस टू अपॉन थ्री क्या होगा? सो माइनस टू अपॉन थ्री का एडिटिव इनवर्स टू अपॉन थ्री, दैट्स वेरी सिंपल, सिंस माइनस टू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री इक्वल टू कितना हो गया जीरो, देयरफॉर द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस टू अपॉन थ्री इज टू बाय थ्री। ओके, वट शुड बी एडेड टू थ्री अपॉन फोर सो दैट द सम मे बी जीरो। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें वी नोट दैट द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स नेगेटिव इज जीरो। क्या क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट शुड बी एडेड टू थ्री अपॉन फोर सो दैट द सम मे बी जीरो। हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें इनका सम जीरो फाइंड हो। क्या क्वेश्चन है, हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि ऐसा नंबर इसमें ऐड करना है कि हमें जो सम हो वो जीरो फाइंड हो। देखिए अभी हमने देखा कि माइनस टू अपॉन थ्री में हमने टू अपॉन थ्री एक ऐसा रैशनल नंबर ऐड किया कि हमें जीरो फाइंड हुआ। रैशनल नंबर से हमें बट एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। यदि हम इसमें माइनस थ्री अपॉन फोर को ऐड कर देते हैं तो हमें जीरो फाइंड होगा। यस, तो हमने देखिए नाउ थ्री अपॉन फोर प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल टू सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी स्टूडेंट वही कंडीशन आएगी, डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर्स आर सेम है तो हम इस कंडीशन में सेम कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, अब यदि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें एलसीएम लेना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा और उसी तरह प्रोसेस करेंगे जैसे हमने एडिशन में किया था। ओके, बट बस ऑपरेशन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। टू सब्ट्रैक्ट माइनस फाइव अपॉन सेवन फ्रॉम थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर में से माइनस फाइव अपॉन सेवन को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स थ्री अपॉन फोर माइनस माइनस फाइव अपॉन सेवन। ये निगेटिव रेशन नंबर है तो निगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है हमें। ठीक है, मीन्स टू एड थ्री अपॉन फोर टू फाइव अपॉन सेवन विच इज ऑल्सो द सेम एज टू एड, सेम ही इसमें भी हमें एलसीएम लेना होगा। ओके, देन हम सॉल्व करेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। वर्किंग रूल देखिए, टू सब्ट्रैक्ट अ फ्रैक्शन सी अपॉन डी फ्रॉम अनदर फ्रैक्शन ए अपॉन बी। यदि हम इस तरह से यहाँ पर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्सप्रेस द अनलाइक फ्रैक्शन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी एज द लाइक फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर यूजिंग एलसीएम ऑफ बी एंड डी। क्या हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें एलसीएम लेना होगा और डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। ठीक है, देन हम यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। ओके, देन सेकेंड मेथड में ऑप्टेन इज द फॉर्म ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, फर्स्ट डिवाइड द एलसीएम ऑफ बी एंड डी बाय बी एंड देन मल्टीप्लाई द कोशेंट बाय ए टू फाइंड द प्रोडक्ट वन। नेक्स्ट ऑपरेशन, टुडेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को रैशनल नंबर पर अप्लाई करना सीखेंगे। अब देखिए जिस तरह एडिशन में हमने डिनोमिनेटर को कंसिडर किया था, डिनोमिनेटर को कंसिडर किया था कि जब सेम हो तो हम न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन लिखते हैं। ओके, और जब डिफरेंट होता है तो हमने क्या किया था, एलसीएम फाइंड किया था। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही रूल चलेगा कि हमें जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, फॉर एग्जांपल इन दो नंबर में सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो इनमें हम डिनोमिनेटर से डिफरेंट है तो इनका एलसीएम लेते हैं, देन वन बाय वन हर डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट हमें फाइंड होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस है जैसा कि हमने एडिशन में डिफरेंट डिनोमिनेटर होने पर एडिशन सम फाइंड किया था, वही प्रोसेस बस यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर दिस, अब इस पर बेस्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग माइनस थ्री अपॉन फोर फ्रॉम माइनस टू अपॉन थ्री, यहाँ पर हमें सेपरेट करना है इन नंबर्स को। सो माइनस थ्री अपॉन फोर फ्रॉम माइनस टू अपॉन थ्री, दैट मीन्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस माइनस थ्री अपॉन फोर। अब देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस टू अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन फोर। ओके, अब यहाँ पर अलग अलग डिनोमिनेटर से तो हमने यहाँ पर वो एलसीएम फाइंड करेंगे, देन हम यहाँ पर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अब डिनोमिनेटर सब सेम है सो
कॉमन लिख देंगे और न्यूमरेटर को आपस में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर माइनस एट प्लस नाइन है तो वन बचेगा जो कि होगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइन ग्रेटर देन है एट से। ठीक है, तो आंसर इज 1/12। न्यू टाइप क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -17/27। इफ वन ऑफ देम इज -11/27, फाइंड द अदर। अभी हमने पढ़ा कि जो सब्ट्रैक्शन है वो इनवर्स का, सॉरी एडिशन का इनवर्स है। जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन का इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सम गिवन है कि -17/27 और इसमें से वन की वैल्यू गिवन है, तो सेकेंड जो अदर जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम नॉर्मल इंटीजर से सीखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि दो नंबर्स का सम कितना है, 5 है। दो नंबर्स का सम है, ऐसे दो नंबर है जिनका सम 5 है, इसमें से वन हमें गिवन है 2, तो हमें दूसरा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो इनवर्स होते हैं। तो यदि हम जो ये सम आया है, इस सम में से इस वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, 3, जो कि क्या है, यहाँ पर नंबर आने वाला नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पर भी हमें सम गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो हम ऑब्वियसली हम इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर -17/27 -11/27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, देन डिनोमीटर्स कैसे हैं, सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 27 को कॉमन लिख लेंगे, -17 + 11 सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 6/27 सॉल्व करेंगे 2/9, -2/9। ठीक है, माइनस का शेष कर हमें बहुत ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है लगाना के लिए। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करके देन सॉल्व करेंगे तो हमसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत ही इजी और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए इनकी। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो बहुत ईजी है स्टूडेंट। जब भी हमें कोई दो रैशनल नंबर गिवन है, तो हमें जब भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमेटर का डिनोमेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई की प्रोसेस में रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करना है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमेटर को डिनोमेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर दैट। एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टीप्लाई -2/5 / 1/3। ओके, सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कभी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें सॉल्व कर लेने से भी इसको पहले से इसको छोटा शॉर्ट फॉर्म करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एज यू विश। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -8/27 मल्टीप्लाई बाय -9/24। ओके, यहाँ से 8 से 24 कैंसिल आउट हो सकता है, 9 से 27 कैंसिल आउट हो सकता है, फिर हम सॉल्व करें तो इस तरह का आंसर जो आएगा वो भी करेक्ट होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म में उसे आंसर को देना है। ओके, प्रोडक्ट बहुत सारा आया है, यदि हम उसको कट करके मीन्स कैंसिल आउट करके छोटा रूप शॉर्ट फॉर्म देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, हमें बड़ी डिजिट को आंसर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर पहले कैंसिल आउट करके देन सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल। जब छोटी यूनिट हो जाएगी, छोटा नंबर हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी रहती है। अभी हमें 8 और 9 का मल्टीप्लाई करना, 27 और 24 का मल्टीप्लाई करना, देन उनको कैंसिल आउट करना बहुत लेंथी हो जाता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर से यदि कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर दैट। टुडेज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल क्या होता है, तो रिसिप्रोकल होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि रैशनल नंबर है, तो इनटू रिसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज इक्वल टू होगा 1। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, दैट मीन्स रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रिसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल द रिसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 इज 3/4, उसका जस्ट अपोजिट। ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, 1 फाइंड होगा। तो 4/3 का रिसिप्रोकल कहलाएगा 3/4, या फिर इसका अपोजिट कहें कि 3/4 का रिसिप्रोकल क्या होगा, तो 4/3। ओके,
अब ये हम क्यों फाइंड करते हैं? बिकॉज हमें डिवीजन ऑपरेशन को सीखने के लिए, डिवीजन ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए रेसिप्रोकल की हेल्प लेना होती है, ठीक है? तो इसको हम सीखिए, इसका हम यूज करेंगे डिवीजन में। अभी फिलहाल के इसके बेस्ट क्वेश्चन है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -5/6। क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? सो -5/6 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 6/5। माइनस तो है ही सही, माइनस कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? और इस तरह से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल फाइंड किया जाता है। क्लियर दैट? नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए डिवीजन हमें करना है, a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है, इसको c अपॉन d से डिवाइड करना है। तो इस कंडीशन में हमें जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 8/15/3/5। तो क्या करते हैं, जब हमें 8/15 में 3/5 से डिवाइड करना है तो हम 3/5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 8/15 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 क्या होगा? 5/3। देखिए 5/3 आप कैंसिल आउट हो सकता है, सो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके देन सॉल्व किया। तो रेसिप्रोकल का यूज हमें डिवाइड में करना है, जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? जिस भी नंबर से हमें डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2/11 से डिवाइड करना था तो हमने 11/2 से मल्टीप्लाई किया, देन सॉल्व इट। क्लियर दैट? दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टी फर्स्ट, व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइड बाय अनदर रेशनल नंबर एक्सेप्ट 0, द क्वोशेंट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्या होता है प्रॉपर्टी के फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कि जब हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट हमें फाइंड होता है वो भी कैसा होता है? रेशनल नंबर फाइंड होता है, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ। यदि हम किसी रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 फाइंड होता है। दैट्स वेरी सिंपल, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, इंटीजर पढ़ाता तब भी, है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, व्हेन अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशेंट इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। वी ऑब्वियसली देट कि जब हम किसी रेशनल नंबर में, किसी नंबर के लिए भी बात होती है कि जब हम किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर में 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर फाइंड होगा। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, 0 डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर, 0 से यदि हम कोई रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? 0 फाइंड होगा। क्लियर दैट? सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज हमने 2.9 तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। सो आपको असाइनमेंट 2.9 तक के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, इनका रिवीजन करना है। क्लियर दैट? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।